सो दोस्तों, ये रही आपके सामने होंडा की तरफ से आने वाली सीडी बंडल 10 डीलक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये इसका है ब्लैक विद रेड कलर। इसमें आपको चार कलर देखने को मिलेंगे और 110 सी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी आपको इस देखने में सही मिलने 110 सी सेगमेंट की बात कर लें तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। क्या क्या इसकी आपको इंजन डिटेल देखने को मिलती है, क्या इसकी प्राइसिंग है, क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी डिटेल आपको इसमें मैं देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले अगर आप इसकी हेडलाइट चेक कर रहे हैं तो आपको इसमें हेलोजन बेस्ड हेडलाइट देखने को मिल जाती है। टोटल 4 कलर्स में देखने को मिलेगी, और ये कलर आपके सामने खड़ा ब्लैक विद रेड कलर। यहाँ से आप देख सकते हैं रेड कलर के ग्राफिक्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। 110 सी सेगमेंट में आपके पास ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा सिंपल सोवर लुक में आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर आप इसकी हेडलाइट देखेंगे तो पूरा ब्लैक आपको वाइजर देखने को मिलेगा, होंडा की स्टिकरिंग मिल जाती है। हेलोजन बेस्ड येलो कलर के आपको टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। पूरे यहाँ पर आपको ओवरऑल कुछ तरीके के साइड मिरर मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इसमें टेलीस्कोपिक के सस्पेंशन मिलेंगे, यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी। ग्लॉसी ब्लैक कलर का मडगार्ड मिलने वाला है, और 130 यानी कि 130 mm की फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है। टायर प्रोफाइल की बात करी जाए तो 80x100 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है, जो कि अपना 18 इंचेस के सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स में आपको ऑफर करे जाते हैं। बाकी साइड बाय साइड रिफ्लेक्टर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको 162 mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करी गई है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे किक देखने को मिलती है, रियर ब्रेक का पैड मिल जाता है, और टैंक के ऊपर में अगर आप चेकआउट करेंगे तो नए वाले ग्राफिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सिल्वर है, ग्रे है, और यहाँ पर रेड देखने को मिलता है। होंडा की यहाँ पर आपको स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाती है। बाकी ये इसका E20 और O2 वाला मॉडल चेकआउट कर रहे हैं। 9.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। यहाँ पर आपको सीडी 110 डीलर्स की बैजिंग मिलेगी, SP टेक्नोलॉजी, एडजस्टेबल फुट पैक्स मिलते हैं, मेटल में मिल जाता है आपको यहाँ पर एक मफलर। बाकी रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलेंगे, 130 मिलीमीटर की आपको रियर में ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी, 80x100 सेक्शन का ही आपको रियर में भी टायर देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी बात कर लेते हैं इसके प्रोफाइल के बारे में, तो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है 80x100 सेक्शन का ही टायर देखने को मिलता है 18 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ में। बाकी सीट का और ऊपर में आपको ग्राफिक्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्रोम के रिम साथ में कैरिएज देखने को मिलेगा, रियर में आपको हेलोजन बेस्ड टेल लाइट देखने को मिलती है, हेलोजन बेस्ड होंडा की बैजिंग, हेलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर, और ओवरऑल कुछ सेके का मडगार्ड आपको रियर में देखने को मिल जाता है। बाकी सीट हाइट की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कुछ सेके की सीट, उसी के साथ में सीट हाइट की बात कर ली जाए तो आपको देखने को मिलने वाली है 720 mm की, यानी कि 720 mm की इसमें आपको सीट हाइट देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ में कैरिएज आपको एक मिल जाता है क्रोम ट्रीटमेंट साथ में, ये काफ़ी अच्छी बात इसके लिए बन जाती है। अब मैं अगर आपको इस साइड से आकर दिखाता हूँ तो आपको पूरा क्लोज में चैन सेट कवर है, मेटल में साड़ी कट प्रॉपर मिल जाता है, 4 गियर बॉक्स सिस्टम मिलता है। बाकी ये आपको फाइबर बॉडी का यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, बाकी एडजस्टेबल फुट पैक्स मिलेंगे, और लुक आप ना देख सकते हैं क्रोम की मिल जाती है आपको। बार हैंडल स्विचेस की बात कर ले, हाई बीम लो बीम का स्विच मिलेगा, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिलेगा, हॉर्न मिलेगा, बाकी ओवरऑल कुछ सेके के लीवर्स मिल जाते हैं। इस साइड पर आपको इंजन किल के साथ में शेल्फ देखने को मिलने वाला, की आपको मिल जाती है नॉर्मल। मीटर कंट्रोल की बात कर लिया तो पूरा एनालॉग सिस्टम देखने को मिलेगा, यहाँ पर ओडोमीटर मिल जाता है, एक स्पीडोमीटर मिलेगा, फ्यूल गेज मिल जाता है, गियर इंडिकेशन, चेक इंजन के साथ में टर्न इंडिकेटर, होंडा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, और साइड मिरर का डिजाइन अपना आप यहाँ से चेकआउट वगैरह भी कर सकते हैं। टेल लाइट भी मैंने आपको दिखा दी, मेटल में केजेस देखने को मिल ही रहा है। अब बात करते हैं मेन यानी कि इसके इंजन के बारे में, जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है। तो इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 109.51 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्टॉक SI इंजन, जो कि आपका रिलीज करने वाला है 8.79 PS की मैक्सिमम पावर 7500 RPM पर। बाकी 9.30 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है इसमें 5500 RPM पर, यानी जो पावर फिगर है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको ये मिल जाती है 110 सी सेगमेंट में। माइलेज की बात करी जाए तो 55-60 KM तक का आपको ओवरऑल माइलेज देखने को मिलता है। बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर में डिपेंड करता है, और बाइक की कंडीशन के ऊपर में डिपेंड वगैरह करता है। तो आप समझ चुके होंगे क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं मेन यानी कि इसके प्राइसिंग के बारे में, क्या प्राइस पड़ने वाली इसकी ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको देखने को मिल जाती है 88,500 रुपीज़ की, यानी कि 88,500 रुपये की ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में। उसी के साथ में अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं या फिर होंडा का कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं एक्सिस होंडा, जो कि अपना जूही कालम साकिर नगर के पास में पड़ता है। यहाँ से आप आके कोई भी अपना होंडा का प्रोडक्ट वगैरह बाय कर सकते हैं। तो कुछ यही थी इसको ओवरऑल वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।